अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम दिखाएंगे आपको फ़ैन बेयरिंग कैसे चेंज करेंगे हम VST शक्ति 130 DI की। तो सबसे पहले हम बेल्ट दो उतारेंगे। ये देखिए बेल्ट दो मैंने उतार दिए। उसके बाद हम कवर खोलेंगे। 13 नंबर की टी कोड से खुलता है ये। ये देखिए इसको मैंने खोल दिया, इसको उठा के रखेंगे अभी हम साइड में। तो इसके बाद हम खोलेंगे पहले साइलेंसर को। 16 नंबर के बोल्ट रहते हैं इसमें। इसको खोल के साइड में रखेंगे। तो अब हमें खोलना है इसका कवर, रेडिएटर कवर खोलेंगे अब हम इसको। तो अब हम पहले इसका हुक खोलते हैं। पहले हम ये खोलेंगे। इसके बाद हम रेडिएटर कैप निकालेंगे बाहर। तो अब हम खोलेंगे रेडिएटर कवर बोलते हैं इसको, ये खोलेंगे पहले हम। इसके 10 नंबर के बोल्ट रहते हैं। ये देखिए बोल्ट मैंने खोल दिए। देखिए पीछे इसका 2 बोल्ट होते हैं, ये 2 भी खोलने हैं हमें। तो उठाते हैं अब हम रेडिएटर कवर को पहले ऊपर। ये देखिए उठा के रखते हैं इसको साइड में। अब हमें खोलना है फैन। फैन को 10 नंबर के 2 बोल्ट रहते हैं ऊपर से, और नीचे से रहते हैं 13 नंबर के 2 बोल्ट। बस खाली 4 बोल्ट रहते हैं इसमें। पहले हम फैन बेल्ट को नीचे उतारते हैं। ये देखिए इसको ऐसे कैसे नीचे उतारना है, आराम से इसको उतारना है। ये देखिए उतर गया। अब हम खोलेंगे पहले फैन। इसको खोलेंगे पहले 13 नंबर के बोल्ट 2। ये देखिए एक मैंने खोल दिया और दूसरा अंदर से होता है इसका। ऊपर से होते हैं इसके 10 नंबर के बोल्ट, 2 ही बोल्ट रहते हैं इसमें। और इसमें जो वायरिंग भी होती है ये भी खोलनी है हमें। बस खाली 2 कनेक्शन रहते हैं इसमें। ये देखिए ये भी हमने खोल दिया। अब हम फैन को उठा निकालते हैं बाहर, फैन को। अब खोलते हैं अंदर से फैन को, निकालते इसकी बेयरिंग। इस नंबर का अब हम ये खोलेंगे पहले। और स्पिंग वॉशर एक होती है इसमें, और ये बेल्ट पुली और काटर होती है इसमें, ये छोटी सी। ये देखिए अब ये कॉयल रहती है इसकी लाइट की, इसके 4 स्क्रू रहते हैं। बस ये स्क्रू 4 खोलने हैं हमको। देखिए पे स्क्रू हमने निकाल दिए। ये देखिए ये है बेयरिंग इसकी। अब निकालते हैं इनको पहले बाहर, इनको हमें थोड़ा थोड़े से मारना पड़ेगा। ये देखिए दोनों बेयरिंग हमने बाहर निकाल दी। ये देखिए बेयरिंग हमने साफ कर दी है, ये दोनों ठीक है बेयरिंग। तो इनको हम थोड़ी सी ग्रीस भरेंगे और लगाएंगे वापस। ये बेयरिंग दोनों ठीक है। दोनों बेयरिंग में हमने ग्रीस भर दी है। अब लगाते हैं इनको वापस। ये देखिए कैसे लगानी है इसको, ये कैसे वापस लगानी है। और ये बेयरिंग जो साइज होती है 6301 साइज होती है, ये 6301 साइज होती है। ये 2 बेयरिंग लगती है इसमें।
पहले बेरिंग एक, इसके बाद बूश एक लगाना है हमें छोटा सा। ये देखिए ये वाला बूश रहता है, इसमें छोटा सा बूश एक होता है, ये बीच में डालना है। इसके बाद और एक बेरिंग डालनी है हमें। ये देखिए दोनों बेरिंग हमने लगा दिए, अब इसका कवर लगाते हैं वापस हम। लगाते हैं इसकी स्क्रू वापस हम। ये देखिए ये हमने कर दिया टाइट। अब हम इधर कॉइल को थोड़ा सा साफ करते हैं और यहाँ इसको भी थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा हमें। ये देखिए अब हम लगाते हैं इसको वापस। इसके बाद आगे से पहले कैप होती है इसकी, इसके बाद हमें काटर डालनी है इसमें। और अब हमें लगानी है पुली। ये देखिए हमने लगा दिया। इसके बाद हमें स्प्रिंग वॉशर लगानी है, लॉक वॉशर भी बोलते हैं इसको। इसके बाद नट लगाना है हमें, 19 नंबर का नट होता है ये। ये देखिए अब हम करते हैं इसको टाइट। ये देख सकते हैं आप, ये हो गया टाइट, अच्छे से बंद हो गया। ये देखिए अब कैसे चल रही है फैन। तो अब हम निकालते हैं पहले आइडल पुली को बाहर, उसमें भी हम ग्रीस भरेंगे, उसके बाद लगाते हैं इसको वापस। तो ये देखिए 16 नंबर का एक बोल्ट रहता है इसमें, बस खाली ये खोलना है हमको। ये देखिए खोल दिया हमने आइडल पुली। ये देखिए थोड़ी सी टूट गई है मगर काम कर रही है अपना। ये खोलते हैं इसको पहले, तीन स्क्रू रहते हैं इसमें, ये तीनों खोलने हैं हमको। ये देखिए एक दो तीन। ये देखिए पेच मैंने इसके निकाल दिया, अब इसको निकालते हैं बाहर। ये देख सकते हैं आप इसमें थोड़ी सी ग्रीस भी ग्रीस नहीं है। ये देखिए बस हम इसको ऐसे ही ग्रीस रखेंगे और ऊपर से इसका कैप लगाएंगे। कैप की मदद से इसकी ग्रीस जो है अपने आप अंदर जाएगी। ये देखिए करते हैं इसको पहले टाइट, हम तीनों को थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे जैसे कि जिससे ग्रीस बाहर ना निकले। देखिए इस कितने अच्छे से इसको ग्रीस हो गई। ये देखिए यहाँ से भी ग्रीस निकल गई, पीछे से भी। तो अब लगाते हैं इसको हम वापस। ये रहा इसका बोल्ट, थोड़ा लंबा बोल्ट रहता है इसका, और ये इसका एडजस्ट है। इसको हम अभी टाइट नहीं करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा लगा के ही रखेंगे हम ऐसे ही अभी। तो अब हम लगाते हैं फैन। ये देखिए 10 नंबर के बोल्ट तो मैंने लगाए, अब इसके 13 नंबर के दो बोल्ट लगाने हैं हमको। ये एक और अंदर से है दूसरा। ये देखिए दोनों मैंने लगा दिया, अब इनको करते हैं पहले टाइट। तो ये देखिए फैन हमने लगा दिया है, अब हम पहले चढ़ाते हैं फैन बेल्ट को। ये आइडल पुली भी हमने अभी ऐसे ही रखी है। ये देखिए इसको अपने आप एडजस्ट हो गया, अब करते हैं इसका बोल्ट टाइट हम। ये देखिए हो गया ये टाइट। ये देखिए अब हम लगाएंगे कवर, रेडिएटर कवर है इसको लगाएंगे पहले हम, और लगाते हैं इसके बोल्ट पहले। 5 बोल्ट होते हैं इसके। तो देख लिया आपने पूरा प्रोसेस, बेयरिंग कैसे चेंज करते हैं हम फैन की और आइडल पुली की, और ग्रीस कैसे भर दी हमने इसमें। ओ तो
ये पूरा प्रोसेस था इसका। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।